हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर माई ट्रैवलर्स। ये रिलेटिवली थोड़ा सा पुराना वीडियो है। जब हम लोग अप्रैल टाइम पे भुवनेश्वर गए थे, थोड़ा प्रॉपर्टी का काम था, उस टाइम पे हम लोग पूरी के लिए भी प्लान किए थे 2 दिन का। तो अभी हम लोग NH 316 में हैं और वीडियो थोड़ा सा करप्ट हो गया था, इसलिए उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे जो जो होता है मैं आपको अपडेट देते जाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ट्रैवलर्स। आज हम आ गए हैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जिसका नाम है रघुराजपुर पटनी विलेज, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की डिज़ाइनें। और ये जगह फेमस है इनके आर्ट और क्राफ्ट के लिए, जो कि काफ़ी बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और बहुत ही डिफरेंट तरह का काम है ये, और जुगों युगों से चला आ रहा है, तो आपको अच्छा भी लगेगा और रीज़नेबल भी है, आप बार्गेन करके ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इनका इंटीरियर दिखाता हूँ, और इनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हमने कुछ परचेज भी किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं, आगे आगे जो भी होता है मैं आपको अपडेट देते जाता हूँ। सो आप देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, इनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और ये देखिए यहाँ से इनका काम चालू है, इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये लोग अपना ट्रेनिंग देते हैं और बनाते भी हैं, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी लाइव काम चल रहा है। आगे आप नाम देख सकते हैं, कलाकृति विकास केंद्र, यहाँ पे ये लोग सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो भी ग्राहक आते हैं, जो भी ग्राहक आते हैं उनको डेमो भी देते हैं। चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, आइए इनसे मिलते हैं। ये यहाँ के ओनर हैं और ये हमें डिस्प्ले भी कर रहे हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। और आप बताइए थोड़ा, आप कितने साल से इस बिजनेस में हैं और कितने साल से ये पटचित्र का आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस चल रहा है? मैं तो ऐसे जनरली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पटचित्र बनाता हूँ, पाम लीफ एनग्रेविंग बनाता हूँ। ये हमारा घर का ट्रेडिशन है, मेरे पिताजी बनाते हैं और उनके पिताजी, ये हमारा फोरफादर से इसे कंटिन्यू हो रहा है। ये हमारा एक छोटा सा स्कूल है जहाँ 30-40 स्टूडेंट्स लोग आके सीखते हैं। अच्छा। ये हमारा कलाकृति विकास केंद्र करके एक स्कूल चलाता हूँ। अच्छा, एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा इस लोकेशन का? ये रघुराजपुर के पास एक नाईपटना एक छोटा सा विलेज है, यहाँ पे 110 पूरा फैमिली, पूरा एंटायर सब लोग यही बनाते हैं। अच्छा, और कोई अगर आना चाहे तो आपका नाम और डिटेल थोड़ा बता देंगे? मेरा नाम प्रसन्न नायक है और ये चंदनपुर का नजदीक रहता है, ये छोटा सा गांव है। यहाँ पे आप अगर लेना चाहें तो आप आके प्रसन्न नायक से आप बात कर सकते हैं और वो आपको सारा डील दिखा देंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑलरेडी हमें डिस्प्ले किया हुआ है और हमने इसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट भी किया है, और एक सैम्पल दिखाइए जैसे हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। हाँ, ये आप देख सकते हैं
इसमें मेनली क्या होता है, पट कथा पूरा लिखा जाता है, मतलब चित्र का रहता है। हाँ। दूसरा एक दिखाता हूँ आपको, इसमें हमको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से GI टैग मिलने वाला है। अच्छा, अभी जो आपको बता रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको GI टैग मिलने वाला है, और ये ताल के पत्ते पे किया जाता है, पाम लीफ पे। और देखिए कितना सूक्ष्म और कितना बारीकी से काम किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए पूरा कहानी, हिस्टोरिकल, रामायण, महाभारत, ये सब का, श्री कृष्ण कथा, ये सारा इसमें छोटे छोटे पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा और बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए ठीक है। थैंक यू प्रसन्ना। और मैंने एक इस टाइप का लिया हुआ है, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। और ये बेसिक आइडिया आपको एक दे देता हूँ, ये इसका रेट डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ों के ऊपर। सो प्रसन्ना से जानते हैं एवरेज क्या क्या रेट होता है। ये कम से हमारा जो प्राइस रहता है 2000 से 2 लाख 2.5 लाख तक पैसा रहता है। अच्छा, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के हिसाब से, इंट्रिकेसी के हिसाब से, कितना बारीक किया जाता है उसी हिसाब से डिपेंड करता है प्राइस। अच्छा, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि छोटे से छोटा वाला जो है वो आपको 2000 में मिलता है, और इवन 1 लाख 2 लाख तक साइज के ऊपर डिपेंड है, और कितना बारीकी से काम किया गया है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ठीक है, हमने अपना एक ले लिया है, रश्मि पकड़ के खड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये दो छोटे छोटे चीज़ हमने लिया हुआ है, ये भी कोकोनट का कोकोनट जो कवर, हाँ, इसको कोकोनट पेंटिंग बोला जाता है। ये आप इसको लेके घर के आगे टांग सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखता है। इसका मैंने अभी कुछ रेट वेट किया नहीं है, आई थिंक ये ऐसे ही आप ले सकते हैं। फिर भी इसका रेट क्या होता होगा? 100 रुपये का होता है। तो आप, तो अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही एग्जैक्टली इसी टाइप का मैंने भी लिया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्ड होके है। और इसका साइज क्या होता है भैया? ये 40x24 का रहता है। 40x24 होता है। और अच्छा, और किस रेंज में आ जाता है ये? ये जो साइज रहता है 12000 से 15000 तक का। अच्छा, सो ये 12 से 15 के ऊपर आता है, और प्राइसेस नेगोशिएबल है कि नहीं? काम के हिसाब से रहता है हम लोग तो। ठीक है, अगर कोई मेरे ग्राहक और मेरे कोई सब्सक्राइबर आते हैं तो उनके लिए आप थोड़ा रेट कम कर दीजिएगा, और ये प्राइस थोड़ा सा नेगोशिएबल भी रखिएगा आप मेरे सब्सक्राइबर के लिए, ताकि उनको भी एक अच्छा डील मिल जाए। बहुत दिन से हमारा मन था आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जाने के लिए, आज हम लोग आ गए और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो गया। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग पूरी की तरफ चलते हैं, कुछ क्लिप्स मैं डाल रहा हूँ जो कि उनके बाहर सजाए हुए थे, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, आप देखिए। और आप भी कभी प्लान कर रहे हैं पूरी आने के लिए, तो रघुराजपुर में एक स्टॉप अप लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा कलेक्शन और बहुत ही अच्छा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए पूरी की तरफ चलते हैं। भुवनेश्वर से पूरी लगभग आपको 1.5 घंटे का रोड जर्नी है, और 65-70 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से आ रहे हो भुवनेश्वर से। तो अभी हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं पूरी सी बीच रोड पे, जो न्यू मेराइन ड्राइव रोड है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और रघुराजपुर जो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है वहाँ से लगभग ये 20 किलोमीटर पड़ता है, तो 30 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। ये रोड लास्ट टाइम जब मैं गया था ये बना नहीं था, ये राइट टर्न जो आप देख रहे हो ये बना नहीं था, हम लोग सीधा गए थे, तो अभी ये राइट टर्न बन गया है। तो ताकि आप डायरेक्ट जाके पूरा मेराइन ड्राइव रोड से कंटिन्यू करें अपना होटल की तरफ जर्नी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो ऑपोजिट साइड वाला जो मेराइन ड्राइव रोड है, जो न्यू मेराइन ड्राइव रोड है, वो काफ़ी चौड़ा है, और इस साइड में काफ़ी नए नए होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं। हम लोगों ने भी अपना होटल जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस के पीछे तरफ ही बुक किया था, द ग्लोब इंटरनेशनल। तो वहाँ का कुछ पिक्स मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने बुक किया था, वीडियो शायद इसका मैंने डिलीट हो गया है, तो आप देखिए। और रिजनेबल था, 2000 रफली लगा फॉर वन नाइट।
वर्किंग डे था तो बाहर निकलना मुश्किल हुआ, तो काम कंप्लीट करके निकलते निकलते होटल से लगभग 7:30-8 बज गए और अभी हम लोग थोड़ा देर जाके समंदर के किनारे बैठे हुए हैं। हमने दो चेयर ले लिया था ताकि शांति से थोड़ा देर बैठे, और उसका लगभग ये लोग 50 रुपये लेते हैं पर चेयर पर 1 आवर, तो आप भी नेगोशिएट करके ले सकते हैं और आराम से समंदर किनारे चेयर में बैठ सकते हैं। ठीक अच्छे में ए ठीक नहीं ऐसी है मैट बस। इस बार पीकू और पीकू की मम्मी गई है कैमल राइड करने के लिए। बाकी जगहों से यहाँ पर अभी भी चीप है, लगभग इन लोगों ने 100 रुपये लिया और एक हाफ किलोमीटर लेके जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो बहुत ही अच्छा डील लगता है मुझे उड़ीसा में ये सब चीज़ों में। तो रश्मि कभी बैठी भी नहीं थी कैमल के ऊपर, तो उसका भी इच्छा जो पूरा हो गया। तो मैं आपको एक सराउंड व्यू दिखाता हूँ, आप देखिए और देख के एंजॉय करिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जो यहाँ पर लोकल शॉप्स हैं वहाँ पर जाएंगे और जाके थोड़ा बहुत जो सामान है जो सी सेल्स हैं उस टाइप का कुछ सामान उठाएंगे, और लास्ट में जाते जाते हम लोग डिनर करने के पहले हम लोग थोड़ा बहुत स्वीट्स लेके जाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया सा स्वीट का शॉप है जहाँ पर खोजा बहुत मस्त मिलता है, मैं वहाँ पर भी आपको लेके जाऊँगा। इस बार हमने एक शंख लिया और शंख मैंने बजाना सीखा नहीं था तो यहाँ पे मैंने शंख बजाना भी सीख लिया इनसे। और बाकी आप कुछ दुकान का मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दे रहा हूँ, आप इसको देखिए और एंजॉय करिए। पूरी आए हैं तो पूरी का खाजा नहीं लेके हम लोग जा नहीं सकते, तो स्वर्गद्वारा रोड से जो इस्कॉन की तरफ रोड जाता है उस साइड पे बहुत सारे खाजा के शॉप्स हैं, स्वीट शॉप्स हैं। सो तो गंगूराम स्वीट्स बहुत फेमस है और थोड़ा कॉस्टली भी है, लेकिन ये लोग प्योर घी से बनाते हैं, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा भी होता है। आप बाकी रोड साइड से भी ले सकते हैं, किलो 200 रुपये से चालू होकर लगभग 500-600 रुपये तक जाता है बेस्ड ऑन द प्योरिटी और कौन सा ऑयल और घी ये लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ करके ले सकते हैं। लेकिन खोजा बहुत टेस्टी होता है, मैंने भी लगभग 2 kg पार्सल लिया था। आज का मिठाई का शॉपिंग हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, कल सवेरे जल्दी उठना है, जल्दी उठ के हम लोग चंद्रभागा जाएंगे, वहाँ पे समंदर किनारे सनराइज़ देखेंगे और उसके बाद कोणार्क टेम्पल भी हम लोग कवर करेंगे, डिटेल्ड कोणार्क टेम्पल हम लोग कवर करेंगे इस बार। और उसके बाद वापस जाते हुए हम लोग पूरी टेंपल जाएंगे जगन्नाथ टेंपल, और उसके बाद हम लोग सीधा भुवनेश्वर के लिए चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग अभी चंद्रभागा सी बीच पे पहुंच चुके हैं और इस बार मैं देख रहा हूँ इस बार ATV बाइक भी बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मैंने पहले नहीं देखा था, आई थिंक ये एक सैंड स्पोर्ट्स यहाँ पे चालू हो चुका है। और आप अभी भी देख रहे होंगे सनराइज़ हो चुका है लेकिन कोहरा अभी भी है, आप देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारा कोहरा अभी भी दिख रहा है, इसलिए हमें आने में थोड़ा लेट हो गया। और सनराइज़ हो चुका है और हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ये बीच बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे ना ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं हुआ है तो आपको अच्छा लगेगा आराम से शांति से बैठने के लिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं, चुपचाप आप अपना बैठ जाइए वहाँ पर और अच्छे से पूरा निहारते रहिए समंदर को।
आए हैं तो एटीवी का चलाने का मज़ा हम लोगों ने भी थोड़ा सा लिया। ये एक राउंड का 200 रुपए लेते हैं, रीज़नेबली फिर भी चीप है अगर आप देखोगे बाकी जगहों से। तो अभी हम कोणार्क टेंपल में एंट्री कर रहे हैं और आप देख सकते हैं एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में इनका टिकट काउंटर है। ये देखिए द फेमस कोणार्क टेंपल और सन टेंपल। टिकट काउंटर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं टिकट काउंटर को। और अभी हम टिकट काउंटर पहले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे दो टोकन आपको मिलता है, ये टोकन आपको लेना पड़ेगा वो टिकट काउंटर से। 40 रुपीज़ पर एडल्ट है और बच्चों के लिए फ्री है अप टू 15 इयर्स। 15 इयर्स के नीचे अगर है तो फ्री है, उसके ऊपर है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एंट्री के लिए जा रहे हैं सन टेम्पल पे। और एक बात बता दूँ, इसका यहाँ पे पूजा होता नहीं है, यहाँ पे सूर्य का पहला किरण गिरता है, इसलिए इसका नाम सन टेम्पल भी रखा गया है। तो जो आगे देख रहे हैं यहाँ पे आपको टिकट डाल के अंदर जाना पड़ेगा और इंडिविजुअली आपको टिकट डालना है। जैसे आपने दो टिकट लिया है तो आप अपने पार्टनर को एक टिकट दे दीजिए और फिर वो अंदर डाल के जा रहे हैं। और एक बात, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। और इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने तो इसको जो राजा थे, राजा नरसिंहदेवा वन, उन्होंने इसको बनाया था जो कि लगभग 13वीं सदी में इसको बनाया गया था और लगभग 800 साल पहले। और 1200 लेबर इसमें लगे थे, काम कर रहे थे इसके ऊपर, 12 साल तक काम किए। और इसके लिए जो पत्थर था वो खंडगिरी उदयगिरी जो पहाड़ है इसके पास भुवनेश्वर के पास, वहाँ से लेके आए थे। और लगभग टाइम पे कंप्लीट करने ही वाले थे, जो इसका ताज है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। राजा का आदेश था अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं करोगे मैं आप सबको मार दूंगा, तो सब इसलिए टेंस में थे। तभी जो उसका चीफ आर्किटेक्चर्स हैं, जो उनका बेटा धर्मपद, वो वहाँ पे आए और संभव उन्होंने उसकी ताज को बना लिया और ताज को रख दिया। लेकिन फिर भी जो बाकी 1200 लेबर थे वो फिर भी घबराए हुए थे, क्योंकि फिर भी मरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, एक छोटे बच्चे ने कर दिया। तो सबको बचाने के लिए जो धर्मपद थे वो उसी टेंपल के जो ऊपर से कूद गए थे, साइड में जो चंद्रभागा रिवर है उसमें। तो इस उसके बाद से ही यहाँ पे पूजा अर्चना करना बंद कर दिया गया, क्योंकि इसको थोड़ा सा अपवित्र जगह बोला गया, क्योंकि एक इंसान ने कूद के यहाँ से अपनी जान दे दी। उसके बाद से यहाँ से पूजा होना बंद हो गया, ऐसा मान्यता है। वीकेंड था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। हम लोग अभी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। हमने एक पीछे साइड में और एक द्वार है उस साइड से गए थे, वो लोकल लोग जाने के लिए उस साइड से एक द्वार है, तो हमने रिक्वेस्ट करके, क्योंकि इस साइड से आप देख सकते हैं बहुत लंबा लाइन लगा था, हमें वापस भुवनेश्वर पहुँचना था और फ्लाइट भी पकड़ना था, तो इसलिए हमने उस साइड से रिक्वेस्ट करके पीछे तरफ से गए थे और दर्शन करके आ गए। और इसके बाद हम लोग ऑन द वे जाते जाते पिपली होते हुए जाएंगे, थोड़ा चांदुआ का वर्क भी देखेंगे। अभी हम आके पीपली पहुंच चुके हैं जो कि पुरी से लगभग 38 किलोमीटर है और लगभग उतना ही डिस्टेंस आप पकड़ लीजिए भुवनेश्वर से भी है। ये बहुत ही फेमस है इसका जो हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए, और मोस्टली फेमस है इसका चांदुआ जो वर्क है उसके लिए। उड़ीसा में सबको ही जानते हैं पीपली फेमस किस लिए है, और
इसका जो हाथ से बनाया हुआ काम है बहुत ही बारीक है, बहुत ही फेमस है, बहुत जगह एक्सपोर्ट होता है। और चलिए आपको मैं अभी अंदर लेके चलता हूँ दुकान के। रश्मि को जाके ऑलरेडी ख़रीदना चालू कर दी है, तो आप भी देखिए और एंजॉय करिए। और कभी टाइम मिले तो पिपली आप ज़रूर जाइए, क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया है ये बिज़नेस। लगभग अभी ये काम करने भी लोग ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा रहा नहीं है। और ठीक है, चलिए आप देखिए और कभी मौका मिले तो पिपली आप ज़रूर जाइए। हमने भी फाइनली एक चांदुआ यहाँ से ख़रीदा और फिर हम लोग वापस भुवनेश्वर आ गए, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना योमे ट्रैवलर्स को, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार कंटेंट हम लोग आपके लिए रेगुलरली लेके आ सके। चलिए बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए योमे ट्रैवलर्स।